हाई एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल से आपका, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए बताते हैं आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। वेल, आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा जाती हैं अपने कुछ आभूषण लेकर और जामवंती से कहती हैं कि लो जामवंती, तुम इसे स्पर्श करके देख लो। सारी मौजूद स्त्रियाँ यहाँ पर राधा से कहती हैं कि क्या हो गया है तुम्हें राधा, तुम क्यों अपने आभूषण दे रही हो, क्या तुम्हें उनसे तनिक भी प्रेम नहीं है, और अगर इन्होंने छू लिया तो सब गायब हो जाएगा। राधा सबकी ओर देखती हैं और कहती हैं कि मुझे इन आभूषणों की कोई चिंता नहीं है, मेरे लिए मेरे प्रियजन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वरना ये आभूषण मेरे लिए मिट्टी समान है। राधा बार बार यहाँ जामवंती को फोर्स करती हैं और आभूषण छूने के लिए कहती हैं। जामवंती मना करती है, लेकिन एट लास्ट उन्हें राधा की बात माननी पड़ती है, और जैसे ही वो राधा के आभूषण छूती हैं वो भी गायब हो जाते हैं। ये सारे कुछ देखकर जामवंती दुखी हो जाती है और वो रोते रोते राधा से कहती है कि ये श्राप मुझ पर से अभी तक नहीं गया है, सब डर रहे थे, सब मुझसे अपने आभूषण छुपा छुपा कर रख रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राधा, देखा तुम्हारे आभूषण अब गायब हो गए। राधा यहाँ सबको कहती हैं कि कल रात कृष्ण ने एक कथा सुनाई थी और उसका सर्वाधिक अर्थ आप लोगों ने नहीं समझा, लेकिन मैंने कथा का अर्थ समझ लिया था, और जहाँ ये बात सिद्ध हो गई है कि अगर आपके संबंध ही असली संपत्ति है तो आपको इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए। ये सब तो मोह माया है, आभूषण या फिर ये सारे जीवन के सुख सब मोह माया है, इससे तो आत्मसंतुष्टि भी नहीं मिलती। तभी आलक्ष्मी श्री कृष्ण की ओर देखती हैं और कहती हैं कि देखिए कैसा लग रहा है अपने परिवार में आपको ये मतभेद। कृष्ण आलक्ष्मी की ओर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इतनी देर तक मैं वो देख रहा था जो तुम कह रही थी, अब तुम वो देखो जो मैं कह रहा हूँ। राधा की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहते हैं, मेरी राधा का व्यक्तित्व देखो। राधा यहाँ जामवंती को समझाते हुए सभी से कहती हैं कि आप लोग रात में ठीक से सोए थे या नहीं। सब कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ठीक से नहीं सो पाए। राधा पूछती हैं कि और इसका रीज़न क्या था। सब बताते हैं कि हम ठीक से इसलिए नहीं सो पाए क्योंकि हम सबको अपने स्वर्ण की चिंता थी। राधा सभी की तरफ मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मैं भी ठीक से नहीं सो पाई, लेकिन स्वर्ण की चिंता की वजह से नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों की चिंता की वजह से। कृष्ण ने जो कहानी सुनाई थी उसका अर्थ समझाने के लिए मैं कब से यही इंतज़ार कर रही थी, आप लोग एकत्रित हों और मैं आपको सही उस कहानी का अर्थ समझाऊं। तभी वहां पर सांब आता है और सारी सिचुएशन देखते हुए उसे आलक्ष्मी की बातें याद आती हैं कि कैसे उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी मातों को सारे गहने सारे आभूषणों से पूरा सुसज्जित कर दूँगी, लेकिन वो मेरी तरफ ही रहने चाहिए। तभी साम अपनी माता को कहता है कि चलिए माता, आप कहाँ राधा की बातें में पड़ रही हैं, आप राधा की बातें मत सुनिए, आपको आराम की आवश्यकता है, आराधना की नहीं। जामवंती जैसे ही जाने लगती है वो साम का हाथ छुड़ाती है और कहती है कि नहीं, मैं राधा के साथ जाऊंगी और धनलक्ष्मी की पूजा करूंगी। ये देखकर साम थोड़ा सा शक पका जाता है और धनलक्ष्मी की पूजा के बारे में वो काफ़ी कुछ कोशिश करता है जामवंती को भड़काने की, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता। राधा कहती है कि आप सभी को भी चलना चाहिए और सब जाने के लिए सुसज्जित होते हैं, लेकिन जाती सिर्फ जामवंती है। आलक्ष्मी कहती हैं सोचते हुए कि ये सब क्या हो रहा है, अब मुझे ही कुछ करना होगा, ये सब सही नहीं हो रहा। तभी कृष्ण कहते हैं कि देखा, अब सब सही हो जाएगा। आलक्ष्मी कहती है कृष्ण से कि राधा के साथ केवल जामवंती गई है और कोई स्त्री नहीं। कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि तुम देखो आगे आगे क्या होता है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तुमने कल शाम से कहा था ना कि जामवंती तुम्हारे पक्ष में रहेगी, लेकिन देखो जामवंती तो राधा के पक्ष में चली गई है। आलक्ष्मी सुनकर चेतती है और कहती है, आप मुझ पर नज़र रखने का प्रयास कर रहे हैं या फिर आप मुझ पर नज़र रख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि मुझे किसी पर भी नज़र रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, और अगर मैं तुमसे श्रेष्ठ नहीं होता तो तुम मुझे कभी भी पाने की इच्छा नहीं करती। अच्छा यही होगा कि तुम देवी लक्ष्मी को छोड़ दो। आलक्ष्मी कहती हैं कि कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उधर दिखाया जाएगा कि सब राजमहल में इकट्ठा होकर धनलक्ष्मी की पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी आलक्ष्मी को अवॉइड करते हुए कृष्ण कहते हैं कि अरे तुम भी यहाँ थे, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। चलो खैर, हम आराधना के बारे में बात करते हैं।
तभी राधा कहती है कि मैं आज आप सबको धनलक्ष्मी का असली मतलब समझाऊंगी, वो भी एक खेल के माध्यम से। तभी वो कुछ पत्ते उठाती हैं और सबको एक एक पत्ता दे देती हैं और कहती हैं कि आपकी जो भी सबसे अधिक प्रिय वस्तु है, तन मन दिमाग सबसे सोच कर बताइए, आप उस वस्तु का नाम इस पत्ते पर लिखिए और आपको जो जीवन में सबसे अधिक प्रिय है उसी वस्तु का नाम आपको लिखना है या फिर उसी चीज़ का नाम लिखना है। सब लोग पूछते हैं कि राधा क्या आप नहीं लिखना चाहेंगी। राधा कहती हैं कि मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो मैं भी लिख देती हूँ। थोड़े समय के पश्चात राधा कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ आप सब ने अपनी अपनी प्रिय चीज़ लिख दी होगी इस पत्ते में। और सबसे पहले वो जामवंती की ओर देखती हैं और उन एक पत्ता उठा करके कहती हैं कि जामवंती, तुमने अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज़ में शाम को लिखा है। मुझे याद है कि तुमने शाम को कितनी कठिनाई और मुश्किलों से प्राप्त किया था, इसीलिए वो तुम्हारे जीवन में अनमोल है, यही तुमने लिखा है ना। जामवंती इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने यही लिखा है, लेकिन तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ राधा। राधा से कहती हैं जामवंती, ये तो सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। तभी राधा कहती हैं कि क्योंकि तुम्हारे जीवन में शाम से अधिक प्रिय और उससे अधिक मूल्यवान कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। दूसरी बारी आती है रेवती की। रेवती को राधा कहती हैं कि तुमने अवश्य बलराम दाऊ का नाम लिखा होगा, क्योंकि वो ही तुम्हारे सर्वस्व हैं। तुम बलराम दाऊ से जितना प्रेम करती हो वही उनके बल की मेन शक्ति का रीज़न है। और जामवंती के बाद रेवती भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हाँ, सही कहा तुमने। फिर राधा यहाँ पर सत्यभामा की ओर बढ़ती हैं और कहती हैं कि तुमने अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है, यही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान है। रेवती भी सर हिलाती हैं और कहती हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा श्री राधा। फिर आलक्ष्मी के ऊपर नंबर आता है और आलक्ष्मी से कहती हैं, राधा मुझे ज्ञात है आपने क्या लिखा है, आपने अपने प्रेमी को पाने की इच्छा लिखी है, क्योंकि आपके जीवन में वो ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे ये ध्यान है कि आपने पहले भी अपने प्रेमी को हासिल करने के बारे में बताया था, जो आपके लिए अपने जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक करके राधा सबके मनोइच्छा बता देती हैं कि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तभी सब इकट्ठा होकर के कहते हैं कि श्री राधा, आपने अपने पत्ते में क्या लिखा है, आप तो दिखाइए। जैसे ही राधा अपना पत्ता उठाकर देखने की कोशिश करती हैं, इतनी जोर से हवा चलती है कि पत्ता उड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाता है। जैसे ही कृष्ण उस पत्ते को उठाते हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि बताइए ना, श्री राधा ने अपने पत्ते में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है। और श्री कृष्ण जैसे ही पलट कर दिखाते हैं, उस पत्ते पर राधा ने कृष्ण लिखा होता है। राधा की ये प्रेम भाव देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कृष्ण भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और श्री कृष्ण अपने आंसू से कृष्ण के आगे राधा का नाम लिख देते हैं और जैसे ही वो दिखाने वाले होते हैं, वो पत्ता उड़कर आलक्ष्मी के ऊपर गिर जाता है और उनके मुँह पर चिपक जाता है। आलक्ष्मी जैसे ही वो पत्ता हटाती है राधा का नाम देखकर, वो क्रोध में उस पत्ते को तोड़ मरोड़कर फेंक देती हैं और वो गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि सभी लोग राधा के इस पढ़ाए हुए पाठ को समझ जाते हैं। तभी राधा कहती हैं कृष्ण की तारीफ करते हुए कि मेरा स्वर्ण भी कृष्ण है, प्रेम भी कृष्ण, मेरा सब कुछ केवल कृष्ण ही है। और यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उधर जो माता गौरी होती हैं, वो राधा को शक्ति प्रदान करती हैं और कहती हैं कि अब राधा को अपने अंदर की धन लक्ष्मी जगाने का समय आ गया है और वो उन्हें शक्ति का संचालन करती हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रकाश में रोशनी हो जाती है और आलक्ष्मी उसे सह नहीं पाती और वो वहाँ से चली जाती है। सभी लोग धनलक्ष्मी के दर्शन करते हैं और उसके बाद ध्यान में धनलक्ष्मी विलीन हो जाती है। यहाँ पर जामवंती राधा की तरफ से की हुई ये एफर्ट देकर के उनके पास जाती है और कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु का पता चला है। एक पल को तो ऐसा लगा कि आज तुम ही धनलक्ष्मी हो। और सभी लोग राधा की जय जयकार करने लगते हैं और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल से आपा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।